आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप लोगों को विश ऑल द हैप्पी दिवाली फॉर मी एंड माई फैमिली। और अभी टाइम मैं आपको शो कर दूंगी टाइम कितना हो रहा है, तो आपने देख ही लिया टाइम कितना हो रहा है। और मैं अभी किचन में आई हूँ खीर बनाने, और उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। डिनर में मैं पूरी और क्या बोलते हैं जिमीकंद की सब्जी बनाऊंगी। जिमीकंद की सब्जी की जो रेसिपी है वो मैं नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो सबका मतलब बनाने का तरीका अलग होता है, मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेशल रेसिपी के अकॉर्डिंग शेयर कर रही हूँ, सिर्फ अपना एक तरीका शेयर कर रही हूँ। और दूसरा, दिवाली है तो कुछ मीठा शेयर करना बनता है, तो इस रीजन से। और मैं कैसी लग रही हूँ आप बताना। और मैंने आज गाउन पहन लिया, साड़ी नहीं पहना, क्योंकि एक से ये मैंने आपके साथ शेयर की थी अपनी ये कुर्ती, तो वही आज मैंने डाल ली है। ये गाउन की तरह ही है बिल्कुल, मैं ऑलमोस्ट इसको गाउन ही बोलती हूँ। ये मैंने आपके साथ शेयर की थी अपने एक रिसेंटली शॉपिंग हॉल में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये लुक मैंने बहुत सेलेक्टिव प्रोडक्ट के साथ जो है क्रिएट किया है, तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप देख लेना। एक्चुअली क्या है ना, जब भी मैं पहले यूट्यूब देखती थी तो लोग मेकअप का वीडियो दिखाते थे, तो उसमें लॉट ऑफ प्रोडक्ट दिखाते थे। आई थिंक कंटोरिंग, कंटोर एंड हाईलाइटर एंड आई शेडो, सिमरी आई शेडो, मतलब बहुत सारे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास सारी चीजें नहीं है तो हम अच्छे नहीं लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं। कम प्रोडक्ट को भी यूज करके अच्छे लग सकते हैं, वही मैंने आपको आज दिखाया है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास वो सारे प्रोडक्ट नहीं थे, डेफिनेटली थे, बट मैंने इसलिए नहीं दिखाया है, एक तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और दूसरा मैं इसलिए भी कि कम प्रोडक्ट यूज करके भी हम अच्छे लग सकते हैं। तो दो रीजन के चलते मैंने इस तरीके का वीडियो बनाया। और ये जब आप वो वीडियो देखेंगे तो और सारी जो भी बातें हैं मेकअप से रिलेटेड, और जो भी मतलब मैंने ऐसा कब किया, क्यों किया, कैसे किया, ये सारी चीजें मैं आपको उस वक्त बता दूंगी। तो चलिए व्लॉग मतलब अपनी खीर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। और थोड़ा सा इधर उधर वर्ड्स हो जाए तो माइंड मत करिए, हो जाता है बोलने में। तो यहाँ पे मैंने खीर बनाने के लिए अपना दूध चढ़ा दिया है। और पहले जब मैं इस वीडियो को शूट कर रही थी तब मैं आपके साथ अपना जिमीकंद की सब्जी की रेसिपी शेयर नहीं करने वाली थी, सॉरी, बच्चा बोल रहा था, वो टीवी देख रहा था। बट अब मैंने ऐड कर दी अपनी रेसिपी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ओनली खीर की रेसिपी क्या शेयर करूं। और जब मैं आपके साथ अभी एडिटिंग कर रही हूं तब थोड़ी सी परेशान हूं, और परेशान क्यों वो इसके बाद वाले व्लॉग में आपको बताऊंगी, अगर मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा तो भी बताऊंगी, तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि तभी बताऊं। तो यहां पे मेरा 1 किलो दूध है फुल क्रीम, और इसमें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया, क्योंकि एकदम गाढ़े दूध में बनाते हैं ना तो मुझे जैसा टेस्ट चाहिए वो नहीं मिलता है, थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, क्योंकि मेरा दूध पहले का भी बॉयल था तो पानी नहीं डाला था मैंने, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, तो थोड़ा जो तलवे में मतलब नीचे बर्तन के नहीं लगता है दूध, और चावल अच्छे से पक जाता है। उसके बाद आप पकाइए गाढ़े, मतलब थिकनेस आपको जितनी चाहिए आप उतना रखिए तो अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आप चाहें और टेस्टी बनाना चाहें तो जब आपकी खीर पक जाए तो आप इसमें थोड़ा सा मावा ऐड कर दें। मैंने मावा ऐड नहीं किया, विदाउट मावा बनाया है, पर इस तरीके से भी मैं बनाती हूँ, जब कभी बनाऊँगी तो शेयर करूँगी। तो क्योंकि जब मेरे घर से मावा आता है तो तभी मैं बनाती हूँ, मैं यहाँ का मावा बहुत कम खरीदती हूँ, तो जब कभी आएगा मावा, मुझे कोल्ड सा भी हो रखा है, सॉरी, जब कभी मावा आएगा तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट चॉप करके इसमें ऐड कर रही हूँ, मेरे चावल 80% हो गए हैं। और अगर आपके चावल थोड़े से टूटे हुए रहें तो ज़्यादा बेटर खीर बनती है, नहीं तो आप क्या करें कि चावल को थोड़ा भिगा दें थोड़ी देर के लिए, फिर इसको थोड़ा सा रगड़ दें या फिर मिक्सर में हल्का सा चला लें तो ज़्यादा अच्छा खीर बनता है। थोड़ा सा चावल टूट जाना चाहिए या सिलबट्टे पर हल्का सा दरबर कर लें। मेरा टूटा ही चावल था, मैंने इसके लिए ख़रीदा हुआ था बासमती का, तो बनाया। यहाँ पे मैं अपने बेटे को तैयार कर रही हूँ, टाइम अराउंड
बिटवीन 2 and 3 PM के होगा। और खीर इसलिए भी मैं पहले बना रही हूँ क्योंकि इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ, हमारे यहाँ फ्रिज की खीर पसंद की जाती है, तो मैंने सोचा ये बन जाए इसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, थोड़ा ये और अच्छे उसमें आ जाएगी टेस्ट में। तो फिर उसके बाद मैं अपना सब्जी वगैरह जो भी है बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी खीर जो है पक गई है, इस मोमेंट पे मैं शुगर ऐड कर रही हूँ और ये मेरा 1/2 टीस्पून है। तो शुगर मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि ना आज पूरे दिन मैं बहुत टायर्ड थी और उसका रीज़न मैं नेक्स्ट व्लॉग में ही बताऊंगी। आज मैं पोस्ट करने वाली नहीं थी व्लॉग, पता नहीं क्यों फिर इवनिंग टाइम में मन नहीं मान रहा है तो ऐड कर रही हूँ। तो शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, हर फैमिली का मीठा और नमक का टेस्ट अलग होता है, कोई मीठा ज़्यादा खाता है कोई नमक ज़्यादा खाता है। हमारे यहाँ भी सेम सिचुएशन है, मीठा ज़्यादा खाते हैं तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया हुआ है। यहाँ पे खीर हमारी डन हो गई है, तो हम अभी टाइम 5 PM का हो रहा है और ये दिवाली के दिन का ही है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी जिमीकंद की सब्जी और मैंने प्याज जो है चॉप करके रखा हुआ है एंड लहसुन भी छील के रखा हुआ है और मिर्चा भी। तो लहसुन अदरक का मुझे पेस्ट बना के डालना है इसमें और सूरन को पहले मैं अच्छे से चॉप करके धो के फिर मैं डाल रही हूँ और इसको हल्का फ्राई करके तब मैं प्याज डालूँगी। और ये बिल्कुल जैसे पनीर रहता है ना लाइक पीस पीस की तरह, उसी तरीके से सब चीज़ की बनेगी, बिल्कुल भी ग्रेवी में मिक्स नहीं होगा सूरन। सूरन बिल्कुल आपको पता चलेगा, सॉरी हमारे तरफ सूरन ही बोलते हैं इसको, तो ऑलमोस्ट मेरे मुंह से सूरन ही निकलता है। आप यहाँ भी यूपी की तरफ के जो लोग होंगे सूरन जानते ही होंगे, वैसे यहाँ जिमीकंद बोलते हैं दिल्ली NCR में। और इसका मेरे ब्रदर इन लॉ बता भी रहे थे कि जिमीकंद ही नाम है सब तरफ में। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी ऐड कर दिया है और इसको मैं ढक ढक के भूनती रहूँगी जब तक थोड़ा सा प्याज सॉटे हो जाए। प्याज सॉटे हो जाने के बाद मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। ये बहुत ही इंस्टेंटली और बहुत ही टेस्टी बनने वाली सब्जी है, आप कभी ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस सब्जी का और बहुत ही मतलब ईजी वे में बन जाती है। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट मैं थोड़ा सा भून लूँगी, इसके बाद मैं अपने सारे मसाले इसमें ऐड करूँगी। और लहसुन अदरक थोड़ा सा ढक के ही भूनना चाहिए क्योंकि थोड़ा अच्छे से भून जाता है ना तो सब्ज़ी का फ्लेवर ही चेंज हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो डालते हैं और खुले में ही एक दो बार चलाते हैं फिर उसके बाद अपना स्पाइस मतलब मसाला ऐड कर देते हैं, बट ऐसा आप ना करें, थोड़ा ढक के ही भूनें। मैंने थोड़ा ढक के ही भून लिया। अब मैं अगेन इसको चला रही हूँ और इस मोमेंट में मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी, बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और क्योंकि मैंने इसको बॉयल वगैरह भी नहीं किया है, बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और उसके बाद मैं इसको बंद करूँगी। यहाँ पे मैं 1 चम्मच जीरा ऐड कर रही हूँ, ठीक है, आप जो आपका स्टील का चम्मच है आप उससे 1.5 से 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं। ये मैं 3 से 4 लोगों के लिए सब्जी बना रही हूँ और मेरे सूरन की क्वांटिटी 500 ग्राम है। उसके बाद मैं 1 चम्मच समथिंग हल्दी ऐड करूँगी। उसके बाद मैं धनिया इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, धनिया पाउडर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, मैं इसमें नहीं ऐड किया है। तो उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती है, इससे थोड़ा कलर चेंज हो जाता है और टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट आता है लुक वाइज और टेस्ट भी थोड़ा सा अच्छा आता है, तो इस वजह से तीखी नहीं है। कि आपने ग्रीन चिली ऐड की है तो आप इसको नहीं ऐड कर सकते हैं, नहीं डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें मैं 1 चम्मच के समथिंग गरम मसाला, गरम मसाला थोड़ा सा इसमें डलता है, आप थोड़ा इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और फिर मैंने इसमें एक चीज़ आपको दिखाना भूल गई, मैंने कसूरी मेथी भी ऐड की थी बट मैंने आपको दिखाया नहीं था, मतलब शूट नहीं किया था उस टाइम पे। तो कसूरी मेथी भी आप ऐड करते हैं, उससे टेस्ट हमारा बहुत इनहेंस होके आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और आप देख रहे होंगे बहुत जो चाय वाली गिलास होती है छोटी वाली, उससे मैंने 1 गिलास मेरा भरा भी नहीं था पानी डाला और बस ढक ढक के मैं इसको, ये देखिए ढक्कन मेरा अंदर चला जा रहा है, ढक ढक के मैं इसको भून लूँगी सब्जी को। और उसके बाद फिर मैं इसमें जो है सीटी लगाऊंगी 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पे। मैं इसका जब प्रेशर बन जाएगा तो इसका फ्लेम मैं लो कर दूंगी और 5 से 6 मिनट तक इस पर पकने दूंगी। तो मेरी दिवाली तो बहुत अच्छा जाते जाते थोड़ा सा गड़बड़ हो गई
और बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मेरा हर ही बार दिवाली में कुछ ना कुछ शैपा हो ही जाता है। मैं हर बार पहले से बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि हाँ ऐसे करना है वैसे करना है, एंड एंड मोमेंट पे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। पिछली बार भी दिवाली के दिन ही मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, और मतलब बहुत ही अजीब था क्योंकि एक तो फेस्टिवल होता है, मतलब सब चीज़ बंद होता है, आप ऐसा भी नहीं है कि चलो आप डॉक्टर को दिखा सकते हो ऐसा कुछ कि आपको थोड़ा रिलैक्स मिले, एंड नेक्स्ट डे ही कोई ऑप्शन होता है। दूसरा क्या हो जाता है, दिवाली का 4-5 दिन का लीव होता है, वैसे हॉस्पिटल वगैरह तो खुल जाते हैं जैसे और चीज़ों में मैं बता रही हूँ, तो इससे भी थोड़ा परेशानी हो जाती है। यहाँ पे आप मेरी थाली देख सकते हैं, देखिए सूरन कलर उतना अच्छा कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा है बट बहुत अच्छा कलर आता है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देने से, और खीर भी आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है। और ये मेरे बेटे की थाली थी, सबसे पहले मैंने उसी को ये मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहें स्वस्थ।